हेलो दोस्त, ज्ञान ज्योति स्टडी में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत। आज का जो टॉपिक है दहेज प्रथा पर निबंध, तो चलिए शुरू करें। दहेज मूल रूप से शादी के दौरान दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे के परिवार को दिए गए नकदी, आभूषण, फर्नीचर, संपत्ति और अन्य कीमती वस्तुओं आदि की को दहेज प्रणाली कहा जाता है। यह सदियों से भारत में प्रचलित है। दहेज प्रणाली समाज में प्रचलित बुराइयों में से एक है। यह मानव सभ्यता पुरानी है और यह दुनिया भर में कई हिस्सों में फैली हुई है। उन्हें अपना नया जीवन शुरू करने में मदद करती है। शादी के वक्त दोनों दूल्हा और दुल्हन अपना करियर शुरू करते हैं और वे आर्थिक रूप से इतने अच्छे नहीं होते कि वे इतने ज़्यादा खर्चों को एक बार में वहन कर सके, लेकिन क्या यह एक दूसरे से बेहतर या कम नहीं है? युवाओं को दहेज प्रथा को समाप्त करने की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। उन्हें अपने माता पिता से यह कहना चाहिए कि वे दहेज स्वीकार नहीं करें। अभिभावकों को समझना चाहिए कि दहेज के लिए धन बचाने के बजाय उन्हें अपने लड़कियों को शिक्षित करने के लिए खर्च करना चाहिए। माता पिता को उन्हें वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाना चाहिए। वे मांगना या दहेज देना दोनों परिवारों को मिलकर साझा खर्च करना चाहिए, तभी सुखद विवाह और सुरती समाज हो जाएंगे तथा देश से दहेज प्रथा हमेशा के लिए समाप्त तो हो जाएंगे। प्लीज़ दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।